हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के बारे में। G20 ग्रुप वर्ल्ड की 20 मेजर इकोनॉमीज की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हर ईयर इस ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है जिसमें सभी मेंबर कंट्रीज के लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड, सिक्योरिटी और टेररिज्म जैसे इश्यूज को डिस्कस करते हैं। इस ग्रुप के मेंबर्स में US, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, टर्की, इंडोनेशिया, इंडिया जैसी कंट्रीज शामिल है। 2023 में मीटिंग पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाली है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि इसे जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि इस मीटिंग के जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज होने से कश्मीर पर इंडिया का स्टैंड क्लियर हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज भी मिल जाएगा कि पाकिस्तान कुछ भी बोले, कश्मीर तो इंडिया का ही पार्ट है। अब ये तो इम्पॉसिबल था कि पाकिस्तान इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। सो एज एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान ने इंडिया के इस प्लान का विरोध किया। और तो और, पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने भी इंडिया के इस प्लान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया। चीन ने कहा कि दोनों कंट्रीज को इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और अब चीन को एक और शॉक लगने वाला है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस इवेंट को जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी ऑर्गेनाइज करेगी। 2019 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करती थी, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ऑर्गेनाइज होने वाला ये पहला मेजर इवेंट होगा। इंडिया इस साल के लास्ट में 1 दिसंबर को G20 की प्रेसिडेंसी एज्यूम करेगा। अगर बात करें इंडिया और चीन के रिलेशंस की, तो अभी वो लद्दाख बॉर्डर पर चल रहे स्टैंडऑफ्स की वजह से काफी अच्छे नहीं है। ऐसे में चीन का इंडिया के इस इवेंट को जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज करने के प्लान को क्रिटिसाइज करना इस मैटर को और बढ़ाने जैसा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक लेटर को रेफर करते हुए लद्दाख की लेफ्टिनेंट गवर्नर आरके मथुआ, एक सीनियर आईपीएस और एक सीनियर आईएएस अफसर के यूटी लेवल नोडल ऑफिसर के रूप में कोऑर्डिनेशन के लिए नॉमिनेशन को सैंक्शन भी अकॉर्ड कर दिया है, जिससे एफिशिएंटली इस इवेंट की प्रिपरेशंस को एडमिनिस्टर किया जा सके। क्या आप सोच सकते हैं कि इस इवेंट को लद्दाख में ऑर्गेनाइज करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर के जैसे ही लद्दाख पर भी अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहती है? और अगर ऐसा है तो चीन का इस पर क्या रिएक्शन होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।